अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूं आप लोग अच्छे और खैरियत से होंगे। दोस्तों छत पे आ चुका हूं, कबूतर भी अपने सारे खोल रखे मैंने और फिलहाल से अभी सारे कबूतर इधर उधर हैं, बाकी कुछ अभी कबूतर अंदर है और दाना भी मैंने लगा दिया है आज, तो थोड़ा सा लेट वीडियो शुरू कर रहा हूं। बाकी दिखाते हैं आप लोग को केज में क्या है नया क्या नहीं। दोस्तों के वीडियो बनाने में इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ ना, क्योंकि केज खुलते ही एक नया कबूतर आ गया था, तो जिसको उतारने की कोशिश कर रहा था काफ़ी टाइम से, बट वीडियो नहीं बनाया और कबूतर उतरा भी नहीं। काफ़ी टाइम तक यहाँ छत पे गोला काटा, उसके बाद वो निकल गया। फिलहाल से ये कबूतरों को थोड़ा सा दाना वगैरह दे देते हैं, पानी देते हैं, अभी पानी फिलहाल नहीं लगाया है इन लोगों को, तो आइए दाना थोड़ा लगा देते, पानी लगा देते। बाकी कुछ कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ कबूतर अपने काले जितने पट्ठे हैं लाइन से सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे पट्ठे हैं, कुछ दो पट्ठे नए हैं और बाकी ये तो पाक पट्ठे हैं पुराने। बाकी कुछ कबूतर अभी केज में हैं और कुछ कबूतर यहाँ घूम रहे, तो आइए थोड़ा सा इनको दाना वगैरह दे देते हैं और थोड़ा सा पानी लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं केज में क्या है, कुछ अपडेट आया कि नहीं आया, आप लोग से शेयर करता हूँ। तो दाना तो दोस्तों मैंने लगा दिया है, अब ये खाते रहेंगे दाना, और पानी भी मैंने रख दिया है, तो दाना पानी अपना करते रहेंगे। तो आइए थोड़ा केज का देख लेते हैं केज का क्या हाल है। तो दोस्तों केज का अपडेट दे दूं कि अभी कासने का जो अंडर इन्होंने दे रखा है, तो इस बार मैं इनकी कैंडलिंग नहीं करने वाला, और फर्टाइल हो अनफर्टाइल हो कुछ भी नहीं देखूंगा, देखता हूँ इस बार कुछ ना छूने से ना देखने से बच्चे निकलते नहीं निकलते, क्योंकि इनका लगभग 15 बार ऐसा हो चुका है कि अंडा देने के बावजूद भी बच्चा नहीं निकल पाता, बच्चा अंडे में फंस के ही मर जाता है, क्योंकि इनकी इनके अंडे का छिलका काफ़ी मजबूत होता है शायद से, कि जिसके वजह से बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा है पूरी तरीके से, अंडे के अंदर ही मर जा रहा है। अभी लास्ट टाइम इन्हें जो ताके के नीचे रख रखा था इसका अंडा, तो उसमें से बच्चा 2 दिन तक फंसा हुआ था, उसके बाद मैंने निकाला और निकालने के बावजूद भी दूसरे दिन वो एक्सपायर कर गया, तो इसकी वजह से आपकी कोशिश करेंगे बिना छुए देखते हैं कि बच्चा निकाल पाते नहीं निकाल पाते। बाकी दोस्तों अपनी ताकी के फीमेल ने भी अंडे दे दिए हैं और अभी नर बैठा है इंक्यूबेट के लिए, तो देखते हैं इस बार इनका भी बच्चा, 2 क्लच इनका भी ख़राब हो चुका है, 3रा क्लच ये है। अभी लास्ट टाइम जो इनका अंडा था वो तो चांद भाई लेके चले गए थे, तो वहाँ भी इसका बच्चा नहीं निकल पाया। बाकी बच्चा ये वाला बिल्कुल फिट है और अपनी जो खैरे की फीमेल है ये ऊपर बैठी हुई है, तो ये भी जल्दी अंडे दे देगी। बाकी अपनी मको भी काफ़ी जल्दी अंडे दे देगी, देखते हैं कब तक अंडे देती है, इंशाल्लाह शेयर करूँगा आप लोगों से भी। बाकी अभी कबूतर यहाँ पे और दोस्तों इस केस के हवाले से बताता चलूँ आप लोगों को, फिलहाल यहाँ पे अभी आप लोग को पता ही है कि इस लाल के नीचे अंडा है और इस खैरी के नीचे अंडा है, तो बाकी अपनी शिराजन भी जल्दी अंडे रख देगी, क्योंकि नर काफ़ी पीछे पड़ा हुआ है, तो जल्द से जल्द ये भी अंडे रख देगी। बाकी अपना जो मैंने बेदाग पकड़ रखा था ये कबूतरी है और इसने अपने मद्रासी के साथ जोड़े लगा लिए हैं, तो इंशाल्लाह ये भी देखते हैं कब तक अंडे देती हैं। बाकी खुशखबरी दोस्तों ये है कि अपने खैरी का बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह से निकल चुका है, ये देखिए दोस्तों एक बच्चा माशाल्लाह निकल चुका है, और देखते हैं दूसरा बच्चा कब निकलता है। और अच्छी बात यह है कि इनके अंडे की मैंने कैंडलिंग नहीं की थी, इनको अंडे को मैंने छुआ ही नहीं, इस वजह से सोच रहा हूँ कि कासने का भी इस बार नहीं छूंगा, देखता हूँ इस बार बच्चे निकाल पाते नहीं निकाल पाते। बाकी हर बार मैं यही करता हूँ कि अंडे की कैंडलिंग कर लेता हूँ, कन्फर्म हो जाता है कि किस में बच्चे बन रहे किस में नहीं बन रहे, तो एक सुकून सा रहता है कि चलो अंडे में से बच्चा निकलेगा बच्चा बन रहा है। फिलहाल इनके अंडे को मैंने छुआ भी नहीं और कैंडलिंग भी नहीं की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से इनका बच्चा निकल गया है, एक बच्चा भी निकला है, दूसरे अंडे में थोड़ा सा क्रैक है, वो भी इंशाल्लाह निकल जाएगा बच्चा। बाकी गोले कबूतर का अंडा चेक कर लेते हैं कि इसमें चटक आया है कि नहीं आया, तो अभी इसमें तो कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिलहाल इंशाल्लाह इनका भी जल्दी बच्चा निकल जाएगा, काफ़ी एग्रेसिव फीमेल है, और इंशाल्लाह अपने दोनों बेदाग जो जोड़े हैं
मद्रासी के, तो ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अंडे लेकर देंगे। तो देखते हैं कब तक देते हैं। बाकी अभी मैंने जो अपना खाता वापस आया था 1.5 साल 2 साल बाद, तो इसका भी अभी कोई जोड़ा नहीं लगा हुआ है, तो सोच रहा हूँ इसका जोड़ा इस फीमेल के साथ लगाने के लिए। बट दिक्कत ये है कि ये वाले नर ने इसके साथ जोड़ा लगा लिया, तो देखते हैं फिलहाल जोड़ा बैठा लेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें थोड़ा सा और खाने वगैरह बनाने, क्योंकि इसमें बैठने की जगह भी नहीं है, तो ब्रीडिंग कहाँ से करेंगे ठीक से। बहरहाल मैंने 4 खाने की पिटी लगा रखी है, तो इसमें भी कर सकते हैं, बट इसमें नहीं कर रहे, पता नहीं क्या वजह है। तो इसमें नई पेटी लगाएंगे, तब इंशाल्लाह देखते हैं ब्रीडिंग इसमें करते हैं नहीं करते। पट्टों की हरकतें चेक करें दोस्तों, सारे जो नए पट्टे हैं वो ऊपर टैंकी पे बैठे हुए हैं। अभी देखते हैं कि नीचे के बात हैं ये लोग। बाकी कबूतर अपने खा पी के बिल्कुल फिट हैं अलहमदिल्ला से, और दाना भी मैंने काफ़ी लगा रखा था, रात में भी मैंने रोटियां भी दी थी और दाने भी दिए थे, तो अलहमदिल्ला से फिट है खा पी के। तो दोस्तों एक अभी हरे के बाद अपने, और हरे के बाद अब से ये बच्चा निकला अपने घर का पट्टा। बाकी तो एक जो लास्ट टाइम निकला था वो चांद भाई के कबूतरों के अंडे में से बच्चा निकला था। बाकी बहुत काफ़ी टाइम बाद अपने घर में अपने कबूतरों का बच्चा निकला है, तो माशाल्लाह से अच्छी बात है। और दूसरा बच्चा भी इंशाल्लाह निकल जाएगा, क्योंकि उसमें भी क्रेक आया हुआ है और दोनों अंडा फर्टाइल था। दोस्तों इस बार मैंने अंडे को छुआ भी नहीं, तो अलहमदिल्ला से बच्चे निकल गए। और मैं मुझे दिन भी नहीं आते कितने दिन हुए, अभी मैं कल सोच रहा था कि कब बच्चे निकलेंगे, और आज सडनली छत पे आया, कबूतर खोला, देखा बच्चे निकले हुए थे, क्योंकि शेल पड़ा हुआ था नीचे। तो दोस्तों दुआ करिए कि बच्चा अच्छे से बड़ा हो जाए और अच्छे से बने छत पे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।